हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे कि 1156 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन, और देखिए अभी तक एक दिन बाकी है। ठीक, कल का दिन एक बाकी है, क्योंकि आज 29 तारीख और 30 तारीख तक इसके आवेदन आवेदन कर सकते हैं आप लोग। तो जी, मैं अब तक बताऊंगा कि अब तक देखिए 2.25 लाख आवेदन और लगभग 2.5 लाख के करीब आवेदन पहुँचेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन होगा। तो देखिए, ये एक सूचना आपके लिए, इससे शायद आपको कोई उत्साह मिले, जब आपको कोई ऐसा लगे कि हम एक जो आधा घंटा पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, कि क्योंकि देखिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पोस्ट पर, एक पोस्ट के लिए कितने लोग कम्पीट कर रहे होंगे। तो आपको कि कितने लोगों से आपको लड़कर एक पोस्ट उस सिलेक्शन मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी पड़ेगी। मैंने पहले कहा, जितना कुछ छोटा एग्ज़ाम होता है उसमें जो कंपटीशन लेवल उतना ही हाई होता है। ठीक, तो देखिए एक ज़्यादा घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और वैसे कोई डरने वाली बात नहीं, चाहे 1 करोड़ भरे, सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर भरोसा होना चाहिए और रेगुलर पढ़ें, सभी सब्जेक्टों को पढ़ें जो जो भी आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक, तो अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो पटवारियों के 1156 पदों के लिए अब तक 2.25 लाख आवेदन, और देखिए जो कुछ हमने अपने तरफ से कुछ क्रिएट नहीं किया है या कुछ ऐसे ही, तो जो ऑफिशियल भी मान सकते हैं इसे, जो अखबार में न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो देखिए जो लिखा हुआ है कि 2 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। ठीक, और लिखा सोमवार आवेदन की आखिरी तारीख है, जिलों में डाक के माध्यम से आई कई आवेदन अभी खुले भी नहीं है, संभावित है कि संख्या 2.5 लाख तक पहुंच जाए। और देखिए ये भी लिखा गया कि जो इसके लिए अप्लाई करें उनकी क्वालिफिकेशन किस स्तर की है, वो किस किस लेवल तक के जो पढ़े हुए लोग इसके इसके जो पटवारी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया उन्होंने, तो देखिए लिख रखा कि PhD, MSc, MBA, MCA, BDS, BTEC, BCom, BSc, MA और BA करने वाले भी पटवारी एग्ज़ाम के लिए आवेदन किए हैं इन लोगों ने भी। ठीक, और देखिए कांगड़ा में एक पद के लिए 400 और मंडी में 200 से ज़्यादा के बीच मुकाबला, जाने कि कांगड़ा में एक पोस्ट के लिए 400 लोग लड़ेंगे, लड़ने का वैसे कोई लड़ाई नहीं करनी, मगर 400 लोग एक पोस्ट पर होंगे, एक पोस्ट के लिए टेस्ट देंगे, एक पोस्ट पर 400 लोगों को आपको पीछे कर उस पोस्ट को हासिल करना पड़ेगा, जाने कि एक पोस्ट के लिए 400 बच्चे कम्पीट करेंगे और मंडी में 200। ठीक, और आगे लिख रखा कि कांगड़ा जिले में पटवारी के 220 पदों के लिए 70,000 से ज़्यादा आवेदन आया, जाने कि सर्वाधिक आवेदन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है और वैकेंसी 220 है वहाँ की, तो सबसे ज़्यादा आवेदन आए। और इसके अलावा शिमला में 109 पदों पर 35,000, चंबा में 68 पदों के लिए 13,000, मंडी में 174 पदों पर 35,000 और ऊना में 69 पदों के लिए 69 पदों के लिए 16,000, सिरमौर में 52 पदों पर 6,500, कुल्लू में 42 पदों के लिए 10,000, सोलन में 63 पदों के लिए 8,000, हमीरपुर में 80 पदों के लिए 25,000 और बिलासपुर में 31 पदों के लिए 10,000 से अधिक आवेदन है। किन्नौर में 19 पदों के लिए 2,000 आवेदन आए हैं। लाहौल स्पीति के लिए पटवारी भर्ती में कोई पद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन लेवल किस स्तर का है। अभी देखिए आपके पास काफ़ी समय है, लगभग आपके पास 3 दिन तो मिनिमम है ही है, क्योंकि 1 अक्टूबर मंथ में तो नहीं होगा, नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में भी नहीं होगा, उसमें टैट वगैरह की परीक्षाएँ होनी है, तो 15 तारीख के बाद ही आपका होगा। तो मान के चलिए अब के आपके पास अभी तक 45 से 50 दिन, कम से कम 40 दिन तो मानकर चलिए आपके पास हैं, और बहुत 40 दिन मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं इसकी तैयारी के लिए। तो देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी देखिए हम भी इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज HPG के, अगर हमने शुरू की तो बिल्कुल आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने से क्या होता है, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे शायद उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ ले, वो आपने पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ MCQs ना पढ़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, क्योंकि देखिए पटवारी की भर्ती हर बार नहीं निकलेगी, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेनी है, पता नहीं है इस बार निकली अब कब निकलेगी। और तो हम बिल्कुल आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं, और मैथ की क्लासेज बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपके पास हिंदी की क्लासेज भी हमने शुरू कर दी हैं, और आज हमने एक बायोलॉजी की वीडियो भी डाली है टॉप 50 क्वेश्चंस करके, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, परंतु आपकी जो साइंस की क्लासेज लगेगी या इंग्लिश की क्लासेज, वो भी बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हम लगाएंगे। तो ये सूचना आपको देने थी, आप देख सकते हैं कि कंपटीशन लेवल 2.25 लाख आवेदन आ चुके हैं, अभी तक एक दिन और बाकी है और 2.5 लाख तक इसके आवेदन पहुंचेंगे। और मैंने आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी बता दिया कि कितने पदों के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी पटवारी एग्ज़ाम या किसी भी और एग्ज़ाम से अपडेट जो कोई भी आती है, तो हमारे चैनल पर ही सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। ठीक, इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई और भी अपडेट आएगी, या कोई इसका एग्ज़ाम पैटर्न अगर चेंज, कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है, तो वो भी हमारे चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।